बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल अपनर सिंह के यूनिट नंबर 5। चूँकि पहले जो मैंने अपलोड किया हुआ यूनिट नंबर 5 फंडामेंटल अपनर सिंह के पार्ट ए, तो ये सारा वाटर साइन का जो यूनिट था वो पूरा जो था वो बहुत लेंथी था यूनिट, तो काफ़ी टाइम लेता था। इसको मैंने जो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये पार्ट बी हम इधर से स्टार्ट करते हैं, ए फॉर फंडामेंटल अपनर सिंह के यूनिट नंबर 5, वाइटल साइन के पल्स, ठीक है। पल्स के हम इधर से स्टार्ट करेंगे। पल्स पल्स क्या है? पल्स जो है बॉडी का जो है पल्स, हमें बॉडी जो हार्ट का जो फंक्शन है वो हमें वो दिखाता है, ठीक है। बॉडी हार्ट का जो रेट है, रिदम है, ठीक है, इसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। द पल्स इज़ एन इंडेक्स ऑफ द हार्ट रेट एंड रिदम, ठीक है। पल्स प्रोवाइड अवेलेबल डेटा विदाउट पर्सन कार्डियोवास्कुलर स्टेटस, ठीक है। पल्स इज़ अ वे ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाई कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर ऑफ द हार्ट। पल्स जो है ये जो है यो पल्स प्रेशर जिसको कहते हैं, ये जो आर्टरी के वाल्व के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है इसको हम पल्स प्रेशर कहेंगे, ठीक है। और जो हार्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो जो पूरा बॉडी में जिस स्पीड से जो है वो ब्लड जो है वो पम्प करता है, और जो वो जो आर्टरी के वाल्व से जो फील होते हैं इसको हम पल्स प्रेशर कहेंगे, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ द पल्स, पल्स की फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी इन अ कंटिन्यूस सर्कट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ओरिजिनेटेड फ्राम द एस ए नोड सानवियल आर्टरी नोड जो है बॉडी में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो ओरिजिनेट होता है, इसके थ्रू जो है पल्स जो है बॉडी में जो है वो फील होता है, ठीक है। कार्डिक कॉन्ट्रेक्शन जो मसल की जो कॉन्ट्रेक्शन हो जाए, जब एस ए नोड के जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है तो मसल की जो वो जो हार्ट की जो मसल है वो कॉन्ट्रेक्शन शुरू हो जाता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ब्लड जो है वो पम्प करता है पूरा बॉडी को, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 मिलीलीटर जो है ये स्ट्रोक वाली में पूरा हार्ट का जो ब्लड है, ठीक है। ऑफ द ब्लड एंटर टू द एरोटा, पूरा जो एरोटा में जो एंटर वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पम्प करता है, ठीक है, हर वेंट्री जो कॉन्ट्रेक्शन के ऊपर, ठीक है। विद ईच स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्शन द वाल डिस्टेंट क्रिएटिंग अ पल्स वेव दे ट्रेवल्स रेपिडली टूवर्ड्स द डिस्टल एंड ऑफ द आर्टरीज, ठीक है। विन अ पल्स वेव रीच पेरिफेरल आर्टरी इट कैन बी फेल्ट बाय पल्पेटिंग द आर्टरी लाइटली अगेंस्ट द अंडरलाइंग बोन और मसल, ठीक है। ये जो हम जो मसल जो जो पल्स है जो है हम चेक करते हैं, ठीक है। जो 90 से 100 जो है वो हमारे पास जो है वो पल्स जो है वो नॉर्मल पल्स होता है, ठीक है। ये जो थंब के जो हमारे जो उंगलियों की जो पैड्स है इससे हम जो है वही जो उसकी पल्स जो साइट है जो 9 साइट है हमारे पास, ये नीचे हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, नीचे आ रहे इसको हम पल्पेट करते हैं इस तरह, जो स्किन के ऊपर जो है वो जो पल्पेट करते हैं उसको ऊपर से इस तरह दबाते हैं, ठीक है। हमें फील होता है पल्स की जो आर्टरी जो है ऊपर हम इस तरह दबाते हैं, और हमें जो आर्टरी के जो है रिदम जो है और प्रेशर जो ब्लड का है वो हमें फील होता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ पल्स, पल्स रेगुलेशन के क्या क्या होता है, ठीक है। पल्स इज़ रेगुलेटेड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बॉडी का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो उसको रेगुलेट करता है थ्रू द साइनो आर्टेरियल नोड जो एस ए नोड जो हम इसको कहते हैं, ठीक है। अफन कार्ड पी सी मेकर, इसको पी सी मेकर भी कहते हैं, बॉडी का पी सी मेकर जो है इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स जो होता है वो जनरेट करता है, ठीक है। पैरा सिंपथेटिक स्टिमुलेशन जो है डिक्रीज द हार्ट रेट, पैरा सिंपथेटिक सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी का जो रेस्ट कंडीशन में जो सिंपथेटिक सिस्टम जो होता है फाइट एंड फ्लाइट मूड होता है उसको जो रेस्ट में लेके आता है, ठीक है। पैरा सिंपथेटिक इसको कहते हैं बॉडी का जो सिस्टम है रेस्ट कंडीशन में जो बॉडी को लेकर आता है, ठीक है, वो जो हार्ट रेट जो है वो कम करता है, ठीक है। पैरा सिंपथेटिक जो स्टिमुलेशन जब स्टिमुलेट हो जाए तो हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। सिंपथेटिक जब स्टिमुलेट हो जाए बॉडी का जो एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन जो है ये जो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, फैट एंड फ्लैट जो मूड जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर हार्ट रेट जो है पल्स जो है वो क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। द क्वान्टिटी ऑफ द ब्लड फोर्स आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, जब हर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हर कॉन्ट्रेक्शन पे जो ब्लड जो है वो
वो जो है वो फोर्स आउट करता है पूरा बॉडी को, ठीक है, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। ये जो है नॉर्मल एडल्ट का जो है वो 70 मिलीलीटर पर एवरेज जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट जो है ये नीचे ये जो सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है कि इस कार्डिक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू पल्स रेट, ठीक है। वो जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है हमारे पास जो है वो नॉर्मल एडल्ट का जो है वो 70 मिलीलीटर है, ठीक है, और जो पल्स रेट जो है नॉर्मल उसको 80 है, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल उसने रेशियो निकाला हुआ है 5.6 लीटर पर मिनट जो है ये इस पेशेंट का जो है वो नॉर्मल जो है पल्स रेट है, ठीक है। द नंबर ऑफ पल्सिंग सेंसेशन अकरिंग इन 1 मिनट इन इन द पल्स रेट हो, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट। द पल्स रेट एक्स जो है मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट है, ठीक है। पल्स असेसमेंट, पल्स हम किस तरह असेस करते हैं, ठीक है। ए पल्स इज कॉमनली असेस्ड बाय पल्पेशन, या कॉमन जो है पल्स जो है हम थ्रू पल्पेशन जो है वो असेस करता है, ठीक है। थ्रू ऑस्कल्टेटिव जो है थ्रू स्टेथोस्कोप भी हम जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन जो है पल्स जो हम असेस करते हैं चेक करते हैं वो थ्रू पल्पेशन करते हैं, ठीक है। उंगलियों की जो पैड्स है इससे, ठीक है। आर ऑस्कल्टेशन यूजिंग स्टेथोस्कोप, अ पल्स इज नॉर्मली पल्पेटेड बाय अप्लाइंग अ मॉडरेट प्रेशर विद द थ्री मिडल फिंगर। ये जो हमारे थ्री मिडल फिंगर है इस पर हम मॉडरेटली प्रेशर अप्लाई करते हैं कोई आर्टरी के ऊपर, ठीक है, जो आर्टरी का जो पल्स साइट है इसके ऊपर। द पैड ऑन अ डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द फिंगर आर द मोस्ट सेंसिटिव एरिया, पैड जो है वो बहुत जो है सेंसिटिव एरिया बहुत जो डिटेक्ट करता है जो टेम्परेचर को सॉरी पल्स को, ठीक है, पल्स की जो रेट है, ठीक है। विद द जेंटल प्रेशर स्टेथोस्कोप इज यूज फॉर असेसिंग एपिकल पल्स वाइल पल्पेटिंग अ पल्स, नर्स शुड असेस द पल्पिंग, ठीक है। जो ज़्यादातर जो है जो ऑस्कल्टेटिव जो है स्टेथोस्कोप के थ्रू जो हम जो पस जो पल्स जो हो जो है वो जो मजर करते हैं ज़्यादातर जो है वो एपिकल पल्स जो है एपिकल जो है वो लेफ्ट साइड लेफ्ट जो है कंट्री रीजन जो हमारा हमारी जो है जिधर जो हार्ट लोकेटेड है, ठीक है, हार्ट के ऊपर जो पल्स है, ठीक है, इसको एपिकल पल्स कहते हैं। वो जो है वो ऑस्कल्टेटिव पे वो थ्रू स्टेथोस्कोप जो है हम चेक करते हैं, ठीक है। जो पल्पेबल जो है हमारे पास जो है उसमें पल्स रेट पल्स जो हम असेसमेंट में पल्पेट करते हैं, ठीक है, ये थ्री मिडल फिंगर से वो हम क्या क्या पल्पेट करते हैं, एक पल्स रेट चेक करते हैं, पल्स की जो रिदम जो है वो चेक करते हैं, पल्स की जो वॉल्यूम है वो चेक करते हैं, ठीक है, करेक्टर चेक करते हैं, ठीक है। बाइलेटरल इक्वलिटी, मतलब ये बाइलेटरल इक्वलिटी मीन ये है कि हम एक साइड से जो पल्स जो है बॉडी का फॉर एग्जांपल लेते हैं फेमोरल एक साइड से ले फेमोरल दूसरा ले, दोनों साइड को कंपेयर करते हैं बाइलेटरल दोनों साइड को कि दोनों इक्वल बाइलेटरल इक्वल है या नहीं है, ठीक है। पल्स रेट क्या होता है, इट इज़ अ स्टेटेड एज अ नंबर ऑफ पल्स आर अ बीट्स पर मिनट, काउंट द पल्स पर आर नॉट लेस देन अ हाफ मिनट, ठीक है। नॉर्मल जो है वो पल्स जो है वो 60 से 100 जो है पर मिनट जो है हमारे पास जो है वो नॉर्मल जो है वो पल्स रेट है, ठीक है। एडल्ट का जो है वो ग्रेटर देन 100 जो भी हो सकता है इसका, जब बॉडी का टेम्परेचर जो है जो नॉर्मल जो है हमारे पास वो 60 से जो 100 है वो नॉर्मल पल्स रेट है। जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए इसको हम कहेंगे कि पल्स जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए 100 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम टेकीकार्डिया कहेंगे, ठीक है। जब नॉर्मल से कम हो जाए मतलब इट मींस कि 60 से बिलो कोई पल्स रेट हो, ठीक है, इसको हम ब्रेडीकार्डिया कहेंगे, ठीक है। ये 1 मिनट के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है, पल्स जो है पल्पेट करते हैं, ठीक है, और फिर जो है 1 मिनट में जो है तक तकरीबन जो है 60 से 100 जो है वो नॉर्मल जो है पल्स, और सेकंड हाथ में वॉच होता है इसमें हम जो है वो मेजर करते हैं और जो वॉच को देख के और इस तरह जो है हम मेजर करते हैं, ठीक है। पल्स वॉल्यूम क्या होता है, अ फोर्स रिपर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द जितना वॉल्यूम जितना फोर्स जो है ब्लड जो है वो प्रेशर से उस आर्टरी में जाता है वो उसका पल्स जो है पल्स वॉल्यूम इसको कहते हैं, ठीक है। व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जितना स्पीड से जो हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है पूरा बॉडी को, ठीक है, लेफ्ट जो है वेंट्रिकल, ठीक है। द पल्स वॉल्यूम इज़ आल्सो कॉल्ड द पल्स स्ट्रेंथ, इसको पल्स स्ट्रेंथ भी कहते हैं। द आर क्वालिटी रिपर टू द पोर्स ऑफ द ब्लड विद ईच ही बीट्स, ठीक है। इट कैन बी रेंजेस फ्राम एब्सेंट टू बाउंडिंग, ठीक है, एब्स जब कम एब्सेंट हो जाए, ठीक है, कभी होता है कभी बाउंडिंग भी होता है कभी ज़्यादा होता है नॉर्मल से, इस तरह भी हम कहेंगे बाउंडिंग स्ट्रांग फुल फोर्स पल्स जो होते हैं वो बाउंडिंग होता है, ठीक है।
थ्रेडी वीक डिफिकल्ट टू पल्पेट आर पल्स ऑफ डिमेंश स्ट्रेंथ। हम पल्पेट करते हैं वो बहुत मुश्किल से हमें पल्पेबल हो, बहुत मतलब बहुत वीक पल्स हो, हम उसको वीक पल्स कहेंगे। ठीक है, अब कोई भी पल्स हम पल्पेट कर रहे हैं पल्स साइड से हमें फील ना हो बिल्कुल, उसको हम कहेंगे कि उसकी जो पल्स है वो पल्पेबल नहीं है, एबसेंट एबसेंट है। ठीक है, वॉल्यूम इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोर्सफुलनेस ऑफ द हार्ट बीट, द कंडीशन ऑफ द आर्टीरियल वॉल एंड हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन। जब बॉडी का जो हाइड्रेशन मीन जो बॉडी में वाटर के का वॉल्यूम जो है ज़्यादा हो जाए बॉडी में, ठीक है, हाइपर वॉल्यूम हो जाए तो इसमें भी पल्स रेट जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए कोई, ज़्यादातर जो डायरिया होता है बॉडी से फ्लूड जो है ज़्यादा निकल जाए, वाटर ज़्यादा निकल जाए, तो फिर पल्स जो है वो वीक पल्स होता है, बहुत पल्स जो है बहुत जो है ब्रेडिकार्डिया की तरफ जाता है। ठीक है, पल्स रिदम क्या है, रेफर टू द रेगुलरिटी और इक्वल स्पेसिंग ऑफ ऑल बीट्स। एक पल्स की बीट में दूसरा पल्स बीट के बीच में जो टाइम है वो अगर रेगुलर इस तरह जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो इस तरह रेगुलर हो तो इसको हम रिदम कहते हैं, इसको जो उसके जो ड्यूरेशन है इसकी दरमियान में इसको पल्स रिदम कहते हैं। पल्स रिदम रेफर टू द रेगुलरिटी और इक्वल स्पेसिंग ऑफ ऑल द बीट्स ऑफ द स्पेस, नॉर्मली द इंटरवल्स बिटवीन ईच हार्ट बीट्स आर ऑफ द सेम ड्यूरेशन। ठीक है, ए पल्स विद एन इरेगुलर रिदम इज़ नोन एज अ डिसरिदमिया आर एरिदमिया। जब उसके जो दोनों पल्स के दरमियान में जो रिदम है वो इक्वल ना हो तो उसको हम कहेंगे कि डिसरिदमिया है, डिपिकल है, रिदम जो है वो डिपिकल। ठीक है, अगर बिल्कुल रिदम ना हो तो उसको हम कहें एरिदमिया भी इसको हम कह सकते हैं। इक्वल टाइम इलेप्स बिटवीन द बीट्स ऑफ अ नॉर्मल पल्स, उसकी जो बीट्स है उसकी जो दरमियान में जो टाइम जो है वो नॉर्मल हो, इक्वल हो। ठीक है, दिस स्टडी बीट्स जो है मतलब इसका पल्स रेगुलरीज रेगुलरीज इसको हम कहेंगे। ए पल्स विद इन इरेगुलर रिदम इज रिफर्ड टू एज एन एरिदमिया। जब पल्स जो है इसकी जो रिदम है और जब इरेगुलर हो जाए इसको हम क्या कहेंगे, एरिदमिया। बाइलेटरल इक्वलिटी और सिमेट्री ऑफ पल्स, पल्स जो है इसकी बाइलेटरल दोनों साइड से हम किस इक्वलिटी जब चेक करें कि एक साइड से हमने फॉर एग्जांपल ब्रेकियल आर्टरी जो पल्स है या जो है पेमोरल है, एक साइड से हमने चेक किया रेगुलर था, दूसरी साइड से हमने चेक किया वो भी रेगुलर था, इसको हम कहेंगे बाइलेटरल जो है ये इक्वल है। अगर दोनों साइड से जो है रिदम या वॉल्यूम जो है वो सेम नहीं था तो हम कहेंगे कि ये जो जो बाइलेटरल जो है इक्वल नहीं है, सिमेट्री जो है पल्स की जो है वो ठीक नहीं है। व्हेन असेसिंग अ पेरिफेरल पल्स, पेरिफेरी में जब हम चेक करते हैं, ठीक है, लम्स में, टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ द ब्लड फ्लो टू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी, टू चेक द ब्लड फ्लो अब बायोलेट्रल इज़ इम्पॉर्टेंट। जो बॉडी का जो बायोलेट्रल पल्स जो है ये चेक करना जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पल्स के जो टाइप्स है हमारे पास जो है एक पेरिफेरल पल्स है, एपिकल पल्स है। ठीक है, जो इज अ पल्स पेरिफेरल पल्स जो है हमारे पेरिफेरल में जो मौजूद है, ठीक है, इसको हम पेरिफेरल पल्स कहेंगे। एज अ पल्स लोकेटेड अवे फ्रॉम द हार्ट से जो दूर है इसको हम पेरिफेरल पल्स कहेंगे। जो हार्ट से जो दूर है मतलब हमारे हाथ में जो है जो नीचे हमारे जो फेयर्स में है, फेमोरल एरिया में है, पॉपलिटल एरिया में जो है इसको हम कहेंगे कि पेरिफेरल पल्स है। इज़ अ पल्स लोकेटेड अवे फ्रॉम द हार्ट फॉर एग्जाम्पल इन द फुट और रेस्ट रेस्ट, ठीक है, कलाई में वगैरह में। ठीक है, असिस वो है फिंगर, जो हम फिंगर से चेक करते हैं उसको हम पेरिफेरल पल्स कहेंगे। जो एपिकल पल्स है जो हार्ट के ऊपर जो होता है, इट इन कॉन्ट्रास्ट इन सेंट्रल पल्स जिसको हम कहते हैं, इट इज़ लोकेटेड इन एपिक्स ऑफ द हार्ट की जो एपिक्स है इसके ऊपर वो होगा। ठीक है, इट इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्सेस, इसको ज़्यादातर हम स्टेथोस्कोप के थ्रू चेक करते हैं, इसको जो जिस टेक्निक से हम इसको चेक करते हैं इसको हम कहेंगे ऑस्कल्टेटिव। ठीक है, असिस आर टेकन बाय स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप के थ्रू जो एपिकल पल्स ये हम लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पल्स की साइड कहते हैं। ठीक है, पल्स की साइड बॉडी में जो है टोटल जो है आई थिंक जो है वो नाइन या एट साइड है। ठीक है, अभी देखते हैं, जो फर्स्ट वन जो है ये टेम्पोरल साइड, इधर जो है टेम्पोरल जो है बोन्स के ऊपर जो पल्स है इसको हम टेम्पोरल कहेंगे। ठीक है, ये जो कैरेट दूसरा जो है ये कैरोटिड पल्स है। ठीक है, यूट्रिक के साथ जो गया हुआ है। ठीक है, दोनों साइड से गया हुआ है लेटरली। ठीक है,
और एपिकल जो है पल्स जो साइड जो है ये हार्ट की एपेक्स के ऊपर होता है, ठीक है। ब्रेकियल जो होता है जो ज़्यादातर हम जो बीपी चेक करते हैं, इसके साथ जो हम थ्रू स्टेथोस्कोप जो भी ये भी चेक करते हैं, जो ब्रेकियल इधर जो हम डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप रख देते हैं और उसकी जो साउंड सुनते हैं, ठीक है। ये ब्रेकियल आर्टरी या ब्रेकियल पल्स है, ठीक है, पल्स साइट है। रेडियल जो है ये इधर जो हमारे थंब के साथ बैक साइड जो है इधर ही रेडियल है, ठीक है। फेमोरल जो है हमारे फेमोरल ये फेमोरल बोन जो है इसके ऊपर जो साइट है इसको हम फेमोरल साइट कहेंगे। पॉपलीटल जो है हमारी जो नी जो है इसकी बैक साइड पर जो है इसको पॉपलीटल है, पॉपलीटल कहते हैं, ठीक है। एक डॉर्सल पेडस है, ठीक है। हमारे जो ये पैर जो उंग जो है पैर की जो पाम है इसके ऊपर वाला साइड पर जो है इसको डॉर्सल कहते हैं, और जो बैक साइड पर जो है इसको पोस्टीरियर टिबिया, इसको क्या कहते हैं, पोस्टीरियर टिबिया। पल्स साइड जो है ये नीचे उन्होंने पैर मेरा दूसरा एक साइड दिए हुआ है, अगर देखना चाहे तो बहुत मतलब डिटेल से, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रेडियल जो है बेस ऑफ द थंब, ठीक है, बेस ऑफ द थंब पे रेडियल होता है। टेम्पोरल कहाँ पर होता है, साइड ऑफ द फोर हेड होता है, ठीक है। कैरोटिड जो होता है वो साइड ऑफ द नेक होता है। ब्रेकियल जो है इनर एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो होता है, ठीक है। फेमोरल जो होता है वो इनर एस्पेक्ट ऑफ द अपर थाई होता है, ठीक है। पॉपलीटल जो होता है बिहाइंड द नी होता है, नी से बैक साइड पर जो होता है, ठीक है। डार्सल पेडस जो होता है टॉप ऑफ द फुट के ऊपर टॉप पर होता है, क्योंकि ऊपर जो होता है पोस्टीरियर टीबिया होता है, ठीक है, जो पोस्टीरियर टीबिया भी होता है, ठीक है। एपिकल पल्स जो है ऊपर द एपिक्स ऑफ द हार्ट के ऊपर जो होता है एपिक्स, उसको एपिकल पल्स कहते हैं, ठीक है। टेकन विद स्टेथोस्कोप से हम देते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के लेफ्ट साइड पर होता है ये एपिकल जो है, ठीक है। रीज़न फॉर यूजिंग अ स्पेसिफिक पल्स साइड जो है इसकी रीज़न क्या क्या है, ठीक है। पल्स साइड जो है रीज़न फॉर यूज़ रेडियल जो हम रेडियली एक्सेसिबल है, रेडियल जो है वो जो है रेडियली जो है एक्सेसिबल है। टेम्पोरल है यूज़ व्हेन रेडियल पल्स इज़ नॉट एक्सेसिबल, जब टेम्पोरल हम तब लेते हैं जब रेडियल जो पल्स है वो हमें एक्सेसिबल ना हो, हमें मतलब हम पील ना हो, हम उसे नहीं ले सकते, एक्यूरेट हमें एक्यूरेट ना आ रहा हो पल्स जो है रेड, तो फिर हम टेम्पोरल से लेंगे, ठीक है। कैरोटिड जो है यूज ड्यूरिंग अ कार्डिक अरेस्ट शॉक इन एडल्ट, कोई भी कार्डिक शॉक हो जाए, कोई भी इमरजेंसी आ जाए उस टाइम पर जो है जो वो उस टाइम पर जो चेक करते हैं उस टाइम पर कैरोटिड आर्टरी चेक होता है कि वाइटल ऑर्गन को ब्लड जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसका पल्स किस तरह के, इसको एक वन साइड से चेक करेंगे, बायलेटरली एट अ टाइम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि एट अ टाइम आप चेक करेंगे कैरोटिड आर्टरी तो जो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई जो है वो बंद हो जाएंगे, वो ऑलरेडी शॉक में है पेशेंट, तो पेशेंट डेथ की तरफ जा सकता है इससे, ठीक है। एपिकल जो है वो रूटीनली यूज़ फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन यूज़ अप टू 3 ईयर, अब 3 ईयर एज अब तक जो है एपिकल ज़्यादातर यूज़ करता है, ठीक है, हार्ट के ऊपर जो है पल्स। ब्रेकियल जो है वो ब्लड प्रेशर जो है जब तरह हम यूज़ करते हैं इसके लिए ब्रेकियल हम जो कप बांध देते हैं उसके ब्लड प्रेशर के, तो साथ हम ब्रेकियल जो है इस पर डायफ्राम जो जो स्टेथोस्कोप है इसके ऊपर रख के और इससे हम फील करके और सुनते हैं जो है वो हार्ट की बीट्स जो है इधर से पल्स भी चेक करते हैं, ठीक है। ब्रेकियल जो है वो उस टाइम पर चेक होता है। फेमोरल जो है वो जब कार्डियक अरेस्ट हो जाए, कोई शॉक हो जाए, इस टाइम भी फेमोरल चेक होता है, ठीक है, कि नीचे पेरिफेरल में ब्लड जो है वो सर्कुलेशन है या नहीं, ठीक है। पॉपलीटल जो है यूज डिटरमाइन सर्कुलेशन टू द लोअर लेग, लोअर लेग को ब्लड जो सर्कुलेशन जो है वो है या नहीं है इसके, जब हम जो पॉपलीटल चेक करते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर थीबे जो है यूज डिटरमाइन सर्कुलेशन टू द फुट, फुट के जो सर्कुलेशन जो है उसके हम चेक करते हैं इससे। डार्सल पेडस यूज डिटरमाइन सर्कुलेशन टू द फुट, जो फुट को जो सर्कुलेशन जो है इस पर हम चेक करते हैं, ठीक है। वेरिएशन मतलब कितना चेंज है, कितना फर्क है, ठीक है, पल्स की जो साइड में एज के बीच में मतलब एडल्ट में कितना होता है, जो न्यू बॉर्न में कितना होता है, ठीक है, ओल्ड एज में कितना होता है, ठीक है। हार्ट बीट जो है पल्स जो है ये बेसिकली जो है जो न्यू बॉर्न जो होता है उसमें पल्स जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, एडल्ट में फिर मॉडरेट होता है, और जब एडल्ट हो जाए एडल्ट में फिर जो है वो ना जो है हमेशा जो है वो कम होता है, ठीक है। इसके रेंज जो है नीचे दिया हुआ है, न्यू बॉर्न में जो होता है 18 से लेकर 180 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है, न्यू बॉर्न में। जब 1 ईयर का मतलब चाइल्ड होता है उसका 80 से लेकर 140 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है, और 5 ईयर से 8 ईयर जो है वो 75 से 120 बीट्स पर मिनट होता है, और 10 ईयर का जो होता है इसमें 50 से लेकर 90 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है।
टीन एज का जो लड़का वो लड़की हो उसका जो होता है 50 से 90 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। एडल्ट का जो होता है वो 60 से 100 जो होता है वो मिनट पर मिनट होता है, ये नॉर्मल भी है एडल्ट का, ठीक है। और जो ओल्ड एज में होता है 60 से 100 बीट पर मिनट, ओल्डर एडल्ट का भी इस तरह जो है 60 से 100 बीट पर मिनट होता है। कौन से फैक्टर जो है जो इफेक्ट करता है पल्स पे, ठीक है, एज से भी होता है। जब जाहिर बात है हमने पहली बात की, जब एज जो है बहुत इफेक्ट करती है, उनकी न्यू जब जिसकी उम्र बहुत कम होती है उसकी हार्ट बीट जो ज़्यादा होती है, उम्र जब साथ साथ जब होता है तो फिर हार्ट बीट जो है वो फिर कम होता है, ठीक है। सेक्स भी होता है क्योंकि फीमेल में एज़ कम्पेयर टू जो मेल जो है पल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज एंड फिजिकल ट्रेनिंग, एक्सरसाइज की वजह से बंदा एक्सरसाइज करता है जो हार्ट बीट जो ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से भी पल्स रेट जो है भी ज़्यादा होता है, ठीक है। बॉडी फ्लूड जो है, जब बॉडी में फ्लूड्स एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाए तो वो बॉडी में हाइपरवोलीमिया हो जाए, ठीक है। इसकी वजह से भी पल्स रेट जो है भी वो ज़्यादा होता है, ठीक है। वो भी बहुत इफेक्ट करता है, पोजीशन भी बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। ड्रग्स की वजह से भी पल्स की जो है वो भी बहुत इफेक्ट करता है, कम ज़्यादा हो सकता है ड्रग्स की वजह से भी। कोई सीडेटिव ड्रग्स हम देते हैं इससे पल्स रेट जो है कम हो जाता है, ठीक है। कोई उसके अलावा कोई और हम कोई एफेनेफ्रिन नॉन एफेनेफ्रिन जो ड्रग्स वगैरह जो देते हैं इससे जो पल्स रेट जो है वो ज़्यादा होता है, वो भी बहुत इफेक्ट करता है। इलनेस कोई भी बीमारी की वजह से ज़्यादातर कोई भी डिजीज़ की वजह से पल्स रेट जो है कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये भी इफेक्ट करता है। इमोशन जो होते हैं, फीलिंग जो होता है, इससे भी पल्स रेट जो है कम ज़्यादा हो सकता है। टेम्परेचर की वजह से भी पल्स रेट जो है, टेम्परेचर कम हो जाए पल्स जो है वो कम हो जाता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए पल्स रेट जो भी वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये भी इफेक्ट करता है बहुत फैक्टर इफेक्ट इन पल्स में। एज जो हमने ऊपर बयान बताया, इसको वन बाय वन नीचे थोड़ा सा डिटेल भी दिया हुआ है। एज किस तरह करता है, एज इंक्रीज पल्स रेट ग्रेजुअली डिक्रीज ओवरऑल। सी टेबल 29, ऊपर जो टेबल हमने डिस्कस किया उसकी जो 29 टू 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 फॉर अ स्पेसिफिक वेरिएशन इन अ पल्स रेट फ्रॉम बर्थ टू एडल्टहुड सेक्स, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी अगर हम अगर देखा जाए सेक्स की, ठीक है, मेल और फीमेल की अगर देखा जाए तो द एवरेज मेल जो है पल्स रेट इज स्लाइट लोअर देन द फीमेल्स, ठीक है। एक्सरसाइज में अगर देखा जाए द पल्स रेट नॉर्मली इंक्रीज विद एक्टिविटी, द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोफेशनल एथलीट्स इज ऑफन लेस देन द एवरेज पर्सन बिकॉज ऑफ अ ग्रेटर कार्डिक साइज, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड एफिकेसी। फैक्टर इफेक्टिंग पल्स, पल्स के ऊपर कौन जो है फैक्टर जो है वो इफेक्ट करता है, हाइपोवोलीमिया, डिहाइड्रेशन। जब बॉडी का जो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए पल्स जो है उससे भी कम हो सकता है, डिहाइड्रेशन, बॉडी से जो वाटर की लॉस हो जाए इसकी वजह से भी पल्स जो है वो वीक पल्स होता है, ठीक है। पल्स रेट जो है वो कम होता है, ठीक है, 60 से जो है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वास्कुलर सिस्टम, जो हाइपो जो वेसल से जो ब्लड जो है वो एक्सीडेंट के थ्रू किए हुए तरीके से या हार्ट रेट जो है वो कम हो जाए, ब्लड जो है बॉडी में कम हो जाए, इसकी वजह से भी पल्स जो है वो उसके ऊपर बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। स्ट्रेस जो है, रिस्पांस टू स्ट्रेस, सिंपथेटिक नर्वस, स्ट्रेस में जो है सिंपथेटिक सिस्टम जो है हमारा एक्टिव हो जाता है, इसमें एड्रेनालिन और एड्रेनालिन केमिकल जो है वो सिक्रेट होता है, इसकी वजह से जो है पल्स रेट जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इन रिस्पांस टू स्ट्रेस सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इंक्रीज द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, स्ट्रेस इंक्रीज द रेट एज वेल एज द फोर्स ऑफ द हार्ट बीट, फियर एंड एनजाइटी एज वेल एज द परसेप्शन ऑफ अ सीवियर पेन स्टिमुलेट द सिंपथेटिक सिस्टम, ठीक है। फीवर किस तरह इफेक्ट करता है पल्स के ऊपर, द पल्स रेट इंक्रीज एंड रिस्पॉन्स टू द लोअर ब्लड प्रेशर, द रिजल्ट फ्राम द पेरिफेरल वेसो डायलेशन एसोसिएटेड विद एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट की वजह से जो है वो इंक्रीज होता है। मेडिकेशन की वजह से किस तरह मेडिकेशन इफेक्ट करता है पल्स के ऊपर, सम मेडिकेशन डिक्रीज द पल्स रेट, कुछ जो है इंक्रीज करता है, कुछ जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्टिकोटोनिक्स जो है हमारे पास मिसाल पता हुआ डिजिटलिस फेरेपर जो है प्रिपरेशन के लिए जो हम देते हैं, डिक्रीज द हार्ट रेट जो कम करता है, ठीक है, पल्स जो है कम होता है इससे। एफिनेफ्रिन जो है नॉर एफिनेफ्रिन जो है वो पल्स जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। इसके अलावा जो पोजीशन किस तरह जो है इफेक्ट करता है, ठीक है। विन अ पर्सन इन अ सिटिंग स्टैंडिंग ब्लड यूजुअली पूल एंड डिपेंडेंट बेसर ऑफ द वेनस सिस्टम,
जब बंदा जो है खड़ा हो तो उस टाइम पर जो है पल्स रेट जो हो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जब बंदा सिटिंग पोजीशन में हो। ठीक है, पुलिंग रिजल्ट इन द ट्रांजिएंट डिक्रीज इन द वेनस ब्लड रिटर्न टू द हार्ट एंड अ सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन हार्ट रेट। ठीक है, पैथोलॉजी कोई डिजीज़ की वजह से भी जो है पैथोलॉजी मीन होता है कोई पैथोलॉजी एक जो सब्जेक्ट है उसमें हम डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पैथोलॉजी की वजह पे डिजीज़ की वजह से भी हो जो पल्स जो है इसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है, असर हो सकता है। सर्टेन डिजीज सच एज सम हार्ट कंडीशन में होता है। ठीक है, दो दैट इम्पेयर ऑक्सीजनेशन एंड अल्टर द रेस्टिंग पल्स रेट। ठीक है, रिस्पायरेशन क्या है, अभी हम आते हैं रिस्पायरेशन की तरफ। जो है हम जब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट एक्सक्रीट करते हैं, आउट करते हैं तो इन्वायरमेंट को, इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं सिंपल। ठीक है, रिस्पायरेशन इज़ द मैकेनिज्म दैट बॉडी यूज टू एक्सचेंज गैस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ब्लड एंड द ब्लड एंड द सेल। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, वो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन लंग्स में, लंग्स से टू अल्वियोली जो है वो ब्लड जो टिश्यू डिफ्यूज होते हैं ब्लड में चला जाता है, ब्लड से पूरा बॉडी में, ब्लड जो है पूरे बॉडी में टिश्यू टिश्यू को लेकर जाता है, टिश्यू से वापस कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर आता है टू अल्वियोली, तो टिश्यू डिफ्यूज होता है और टू अल्वियोली टू लंग्स हम एक्सक्रीट करते हैं बाहर, एक्सचेंज करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, तो इसको भी रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस, रिस्पायरेशन में ही नीचे जो है प्रोसेस जो है ये इन्वॉल्व होता है, वेंटिलेशन होता है, द मूवमेंट ऑफ गैस बिटवीन इन एंड आउट एंड लंग्स, जो लंग्स के इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल करते हैं, इसको वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन कहते हैं द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द अल्वियोली एंड रेड ब्लड सेल। अल्वियोली से जो है जो सैक लैग जो है हमारे लंग्स में जो मौजूद है इससे जो है ब्लड सेल जो है रेड ब्लड सेल जो है जो ऑक्सीजन कैरिंग सेल है ब्लड के अंदर, ठीक है, वो जब इसमें डिफ्यूज़ होता है डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। परफ्यूजर कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेड ब्लड सेल टू एंड फ्रॉम द कैपिलरीज टू कैपिलरीज जो है वो वैन और वेन्यूज ऑफ, ठीक है, जो बहुत बारीक जो होते हैं आर्टरी और वैन जो आपस में मिलती है, बहुत बारीक सी जो होता है वो ब्लड लेके जाता है, ठीक है, और उसको कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, वो उसके थ्रू भी जो है ब्लड जाते हैं और ऑक्सीजन जो है वो पूरा टिश्यू टिश्यू में को लेके जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कंट्रोल उसके किस तरह है, द रेस्पिरेटरी सेंटर जो है हमारी जो ब्रेन में मौजूद है इसका नाम है मेडुला ओब्लॉन्गेटा, ये ब्रेन स्टेम, ठीक है, ये रेगुलेट करता है बॉडी का जो जो रेस्पायरेशन है। ठीक है, ब्रीथ इन स्मूथ यूनिटरपेटेड पैटर्न, ठीक है, जो नॉर्मल रेस्पायरेशन जो है वो पर मिनट जो है वो 12 to 18 है, 12 to 20 ये नॉर्मल है, ठीक है, पर मिनट। ठीक है, वेंटिलेशन इज़ रेगुलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, कंसनट्रेशन पीच इन द आर्टीरियल ब्लड। जब ये रेस्पायरेशन जो है जो ब्लड में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशियो है वो भी नॉर्मल लगता है। ठीक है, जब बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी ज़्यादा बाहर एक्सक्रीट नहीं कर रहा, बॉडी के जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है तो जो पीएच जो है वो पीएच ज़्यादा हो जाए, पीएच ज़्यादा हो जाए, पीएच जो है वो कम हो जाता है, जब पीएच कम हो जाए, पीएच जो है वो कम हो जाए तो ब्लड जो है एसिडिक हो जाता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द आर्टीरियल ब्लड, ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कंट्रोल वेंटिलेशन जो करता है कार्बन डाइऑक्साइड आर्टीरियल में जो जितने भी ब्लड है ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेंटेन रखता है, वो ज़्यादा नहीं होने देते इसमें। ठीक है, एंड एलिवेशन इन द कार्बन डाइऑक्साइड जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए ब्लड में, ठीक है, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में जो है वो 35 to 45 to 45 से 45, ठीक है, इससे जब ज़्यादा हो जाए तो ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाता है, जब कम हो जाए तो अल्कलाइन हो जाए या बेसिक हो जाता है। ठीक है, रेस्पायरेशन कंट्रोल सिस्टम जो है वो ब्रेन जो है वो इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट एंड डीप ब्रीथिंग, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो जो हमारे ब्लड जो मेडुला ओब्लॉन्गेटा है वो ब्रेन में वो रेस्पायरेशन जो सेंटर जो है वो रेगुलेट करता है, रेस्पायरेशन ज़्यादा कर देता है, जो रेस्पायरेशन ज़्यादा हो जाए इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा एक्सहेल होगा बाहर जाएगा और बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो है वो कम हो जाएगा। तो द इंक्रीज वेंटिलेटरी एफर्ट रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बाई इंक्रीजिंग एक्सहेलेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, इसको एक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है,
जब एक्सपायरेशन करते हैं या एक्सहेलेशन करते हैं, कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं, उसको पेशियो प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म इंस्पायरेशन ड्यूरिंग दिस, जो हम कोई ऑक्सीजन जो है हम लेते हैं, ठीक है, अंदर जो इनहेल करते हैं, इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, और जो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं सिंपल, इसको क्या एक्सपायरेशन कहते हैं। पेशियो मैकेनिज्म भी इसको कहते हैं, एक्सपायरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग के टाइप्स जो है वो कोस्टल थोरेसिक ऑब्जर्व बाय द मोमेंट ऑफ द चेस्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, कॉमनली यूज फॉर एडल्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ ज़्यादातर जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, जब हम तो कोस्टल थोरेसिक जो हमारा जो जो चेस्ट कैविटी है, जब हम ऑक्सी जब जब इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो हमारा डायफ्राम जो है वही जो लंग जो जो है ये ऊपर हो जाता है। ठीक है, और जब हम एक्सहेल करते हैं ये डाउनवर्ड की तरफ चल जाता है, कॉमन यूज़ फॉर एडल्ट के लिए। ठीक है, डायफ्राम एब्डामिनल इन्वॉल्व द कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम ऑब्जर्व बाय द मोमेंट ऑफ एब्डामिन। ठीक है, मोमेंट जब इसके मोमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाए, कम हो जाता है। ठीक है, कॉमनली जो है ये जो हम यूज़ करते हैं चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, ये रिस्पायरेशन पे कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, बॉडी पोजीशन जो है रिस्पायरेशन पे इफेक्ट करते हैं, बाद जो पेशेंट जो है सिपाइन पोजीशन में है उसका रिस्पायरेशन एज़ कम्पेयर टू जो बॉडी जो है वो पॉलर पोजीशन में रखेंगे, एज़ कम्पेयर टू जो है वो रिस्पायरेशन कम होगा। ठीक है, एक्सर क्योंकि जो उसकी जो सिपाइन पोजीशन में पेशेंट होगा, लेटा होगा, तो उसकी जो एब्डोमिनल प्रेशर है उसके ऊपर पड़ेगा, चेस्ट के ऊपर, तो रिस्पायरेशन जो है वो सही तरीके से नहीं कर सकता। ठीक है, उसके ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है। एक्सरसाइज भी, वैसे जो बंदा एक्सरसाइज करता है, ज़्यादा दौड़ता है, तो उसकी रिस्पायरेशन जो है हार्ट जो रिस्पायरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं और ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्यूट पेन होगा पेशेंट को पेन होगा एक्यूट, तो उसकी रिस्पायरेशन जो है फिर वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, मेडिकेशन के थ्रू भी पेशेंट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, स्मोकिंग की वजह से रिस्पायरेशन जो है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन फंक्शन, ठीक है, हेमोग्लोबिन फंक्शन जो है हेमोग्लोबिन बॉडी में कम हो तो फिर भी रिस्पायरेशन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है प्रॉपरली पूरे टिश्यू में नहीं पहुँचेगा, क्योंकि अरे ब्लड सेल कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो वो तो ऑक्सीजन कैरिंग कैरिंग वो है फैक्टर है। ठीक है, वो कम हो जाएगा ऑलरेडी, तो वो भी इफेक्ट करता है। ठीक है, एनजाइटी जो है वो भी बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, एब्डामिनल ट्रामा हो गया, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल इंजरी हो गया, ठीक है, वो भी बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिस्पायरेशन की, कैरेक्टरिस्टिक का ये खासियत क्या है रिस्पायरेशन की। ठीक है, व्हेन द रिस्पायरेशन रेट इज टेकन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक शुड बी नोटेड। ठीक है, जब हम रिस्पायरेशन लेते हैं बहुत से इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम उससे हमें उससे नोट करना चाहिए। ठीक है, रिदम रहना चाहिए, रिस्पायरेशन का रिदम क्या है। ठीक है, रेट क्या है, कितना रेट से ज़्यादा है कम है। ठीक है, डिप्थ है, ठीक है, शालो है, किस तरह वो ब्रीथ कर रहे हैं। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रीथिंग अब लेते हैं। ठीक है, उसकी क्वालिटी देखते हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन रेट जो है वो क्या है, इट इज़ द नंबर इज रिस्पायरेशन पर मिनट्स, पर मिनट जो है रिस्पायरेशन का जो है वो रेट जो है पर मिनट भी वो कितना रिस्पायरेशन करते हैं, उसको रिस्पायरेशन रेट कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो है एडल्ट के 12 to 20, 12 to 18 जो है ये पर मिनट जो है पर साइकिल जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, न्यू बॉर्न में जो है रिस्पायरेशन जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि 30 से 50 जो है पर मिनट होता है। ठीक है, न्यू बॉर्न में 1 to 2 ईयर का जो हो तो फिर 20 से 30 पर मिनट जो है फर्स्ट जो रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, 3 से 8 ईयर का जो ओल्ड का जो बच्चा हो उसका 18 से 26 जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, 9 से 11 ईयर का जो है वो फिर जो है 16 to 20 है। ठीक है, और एडल्ट का जो है वो 12 से 18 या 12 से 20 जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पायरेशन की अगर बात किया जाए, रिस्पायरेशन रेट जो है जब नॉर्मल से जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब अगर 20 से ज़्यादा हो गया तो हम इसको टिकेपनिया कहेंगे। ठीक है, अगर जब नॉर्मल से जो है वो 12 से बिलो हो जाए, कम हो जाए रिस्पायरेशन पर मिनट, जो हम ब्रेडिपनिया कहेंगे कि। ठीक है, जब रिस्पायरेशन जो है बिल्कुल ना हो या बिल्कुल कम हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे, एपनिया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रिस्पायरेशन, कैरेक्टरिस्टिक का रिस्पायरेशन रिदम एंड रिपर टू द रेगुलर एंड इक्वल स्पेसिंग ऑफ ब्रीथ। ठीक है, इन अ रेगुलर रिस्पायरेशन रिदम, मतलब रिस्पायरेशन जो है ये रिदम जो है उसका
जो ड्यूरेशन है वो बिल्कुल जो सेम हो उसको रिस्पायरेशन रिदम कहते हैं, ठीक है, कि रेगुलर है या इरेगुलर है, ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन हम कोई इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, ये जो उसका जो ड्यूरेशन है बीच में ये रेगुलर है या रेगुलर नहीं, इसको रिस्पायरेटरी रिदम कहते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन डेप्थ क्या होता है, ठीक है, द रिस्पायरेशन इज़ द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज़ इनहेल एंड एक्सहेल, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज आइदर शालो और डीप, ये शालो या डीप हो गया, ठीक है, रेपिड बट शालो रिस्पायरेशन आ करे ना सम डिजीज, शालो रिस्पायरेशन कोई डिजीज़ में आ जाता है, ठीक, कंडीशन में से हाई फीवर में शालो रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, पेन में होता है शालो रिस्पायरेशन, और हाइपर वेंटिलेशन रिपर्ट हुआ डीप एंड रैपिड रिस्पायरेशन, जब हम जल्दी जल्दी रिस्पायरेशन करते हैं तो हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं इसको, मतलब जल्दी जल्दी से हम ऑक्सीजन जो है इनहेल करते एक्सहेल करते, ठीक है, और हाइपर वेंटिलेशन जब हम शालो हो जाए रिस्पायरेशन जो मतलब इनहेल एक्सहेल जो हम एयर मतलब इनटेक जो इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हो उसका वो कम कर रहे, मतलब कम हो जाए उसका रिदम जो है रेगुलर ना हो, कम हो जाए तो उसको हम हाइपर वेंटिलेशन कहेंगे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक अब रिस्पायरेशन की जो है रिस्पायरेटरी क्वालिटी क्या होता है, ठीक है, रिस्पायरेटरी क्वालिटी आर करेक्ट आर रेफर टू द ब्रीथिंग पैटर्न, ब्रीथिंग पैटर्न हम देखते हैं इसमें, ठीक है, बहुत नॉर्मल एंड एबनॉर्मल जो है इसकी क्वालिटी है, ठीक है, लेबर ब्रीथिंग रेफर टू द रिस्पायरेशन दैट रिक्वायर्ड ग्रेटर एफर्ट फ्रॉम द पेशेंट, डिसिप्निया या डिसिप्निया डिफिकल्ट एंड लेबर ब्रीथिंग ड्यूरिंग विच इन इंडिविजुअल हैज अ परसिस्टेंट अनसेटिस्फाइज नीड फॉर एयर एंड फील डिस्ट्रेस, ठीक है, डिस्को डिसिप्निया, और डिस्पनिया जो है एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट सिटिंग और स्टैंडिंग पोजिशन, कोई पेशेंट जो है अपराइट पोजिशन में जो अच्छी तरीके से वो इनहेल एक्सहेल करेंगे इसको अर्थोपनिया कहेंगे, ठीक है। ब्रीथ साउंड जो है नॉर्मल और डू नॉट यूजली हैव ए नोटिसबल साउंड है, नॉर्मल साउंड जो है वो नोटिसबल नहीं है, ठीक है, हाउएवर सर्टेन डिजीज़ में जो है कोई बीमारी में जो है वो जो हम कोई ऑस्कल्टेट करेंगे या कोई उसको हम हमें फील होगा, ठीक है, जो नॉर्मल साउंड जो है इसको हम रेजोनिंग कहते हैं, ठीक है, लंग्स के जो नॉर्मल साउंड है, और जो एबनॉर्मल साउंड है इसको हाइपर रेजोनिंग कहते हैं, ठीक है, ये पॉइंट दो पॉइंट जो है अपने पास नोट कर दिए, इस स्लाइड में मैंने नहीं लिखे हुए। करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन की करेक्टरिस्टिक जिसमें एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड जो है इसमें क्या क्या कौन कौन से है, ठीक है, देट आर ऑडिबल विदाउट एम्प्लीफिकेशन इंक्लूड फॉलोइंग, ये कोई भी स्टेथोस्कोप के अलावा भी आपको मतलब जो आप इस तरह कान रख देते हो या उसके लंग्स के साथ नज़दीक रखते तो आपको ये सुनाई देगा आपको ये उसकी जो लंग्स की जो एबनॉर्मल साउंड है, ठीक है, स्ट्रेट और ए श्रिल हार्श साउंड हीयर्ड मोर क्लियरली ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब आप कोई इनटेक इंस्पायरेशन अंदर इनटेक कर रहे इसमें हमें श्रिल या हार्श साउंड फील होगा, इसको स्ट्रेडेंट कहते हैं, ठीक है, कोई भी एयर वे की ब्लॉकेज की वजह से ही भी हो सकता है, ठीक है, बच्चों में वो ठीक है, बड़ों में भी उसे लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन की लेरिंग्स जो है उसकी ब्लॉकेज जो हो इसकी वजह से भी इस तरह की जो है वो आवाज़ सुनाई देगा आपको। स्ट्यूटर या स्टीरियस ब्रीथिंग जो है नॉइसी साउंड इस तरह साउंड निकलेगा इस तरह की शोर सा होगा लंग्स में इस तरह की मतलब मल्टीपल साउंड निकलेगा अंदर से, ठीक है, तो उसके कहेंगे स्टीरियर या स्टीरियस ब्रीथिंग, ठीक है। क्रिकल साउंड आल्सो कॉल्ड इज अ रील्स, क्रिकल साउंड आएगा रिजम्बलिंग क्रशिंग, मतलब कोई चीज़ को हम कोई इस तरह क्रश कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जिस तरह कोई जो साउंड जो हम सुनाई देगा इसको क्रिकल साउंड कहते हैं, ठीक है, कॉज बाय अ फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द एयरवे, कोई भी एयरवे में फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो निमोथॉरिक्स होता है, निमोथॉरिक्स का जो पेशेंट होता है जो उसके जो लंग्स में जो है फ्लूइड जो जो ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाता है उसके पैर ज़्यादातर जो क्रैकल जो साउंड जो है वो सुनाई देगा आपको। रोंखी या रूचनी जो है या रेटलिंग वेस्टलिंग लो पिच साउंड होगा कि आपको डायफ्राम से नहीं सुनाई देगा आपको फिर स्टेथोस्कोप की बेल से आपको सुनाई देगा बिल्कुल लो पिच साउंड होगा, ठीक है, मिडल ऑफ द थ्रोट से इस तरह आवाज़ आएगी, ठीक है, उस पेशेंट के निमोनिया की पेशेंट होता है क्रॉनिक जो है ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस जो है जो उसकी इंफ्लेमेशन हो उस पेशेंट में ज़्यादातर जो है इस तरह की आवाज़ आपको सुनाई देगा, या क्रॉनिक COPD का भाई जो पेशेंट हो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिस पेशेंट को उसको भी इस तरह की जो है आवाज़ आपको सुनाई देगा। व्हीजिंग साउंड जो है सिमिलर टू इसके जो ऊपर वाला जो हमने बताया रोंची या रुकनी जो है इस तरह की इसके साथ जो सिमिलर साउंड होगा, ठीक है, बट मोर हाई
पेजेस का जो पेच होगा वो थोड़ा सा हाई होगा, इससे मेड बी एन एयर वे बिकम अबस्ट्रैक्टेड, जब कोई एयर वे जो है वो अबस्ट्रक हो, कोई ब्लॉकेज जो इसमें या कोई का, 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 का जो है COPD जो है क्रॉनिक अबस्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो, इस पर भी इस तरह की आवाज़ जो है आपको सुनाई देगा, ठीक है। चेन स्ट्रोक जो है ब्रीथिंग जो है इरेगुलर ब्रीथिंग दैट मे बी स्लो एंड शालो एट फर्स्ट विन फास्टर एंड डीपर एंड दैट मे स्टॉप आर ए फ्यू सेकेंड बिफोर बिगिनिंग द पैटर्न अगेन। दिस टाइप ऑफ ब्रीथिंग जो है मे बी सीन इन सर्टेन पेशेंट, ठीक है, विद अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, कोई ब्रेन इंजरी उसको, कोई स्ट्रोक हो, कोई ब्रेन ट्यूमर हो, उसमें इस तरह की जो है वो साउंड भी आपको सुनाई देगा। रिस्पायरेशन जो है असेसमेंट जो है किस तरह आप कहेंगे करेंगे, ठीक है, यूपनिया 12 to 20 पर मिनट जो है ये नॉर्मल जो है वो ब्रीथिंग है, ठीक है। वेंटिलेशन डिप किस तरह से, द डिप ऑफ रिस्पायरेशन इज असेस्ड बाय ऑब्जर्विंग मूवमेंट ऑफ चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल आपको देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये डीप है या किस तरह नहीं है, ठीक है। डीप रिस्पायरेशन इन्वॉल्व अ फुल एक्सपेंशन ऑफ द लंग अ फुल एक्सहेलेशन, जो डीप होगा तो जो डायफ्राम है वो ज़्यादा एक्सपेंड एक्सहेलेशन की वजह से ज़्यादा क्या होगा एक्सपेंशन होगा एक्सपेंड होगा, ठीक है। वेंटिलेशन डेप्थ क्या होगा, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग जो है रिजल्ट फ्राम द कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इज बेस्ट ऑब्जर्व बाय वॉचिंग एब्डामिनल मोमेंट, जो एब्डामिनल मोमेंट जो है आप जो है देखते हो इससे बहुत ईजिली आपको जो है इस तरह की जो है साउंड जो है सुनाई देगा, ठीक है। वेंटिलेशन डिफ्यूजन एंड परफ्यूजन किस तरह करेंगे, द रिस्पायरेटरी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड परफ्यूजन कैन बी इवैल्यूएटेड बाय मेजरिंग द ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन की सेचुरेशन आप चेक करेंगे, ठीक है। स्किन की कलर चेक करेंगे, कैपिलरी रिपल चेक करेंगे, इसके जो है इस तरह जो है उंगलियों को या कोई भी जगह को इस तरह दबाएंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। अगर जो एक सेकंड या दो सेकंड में मतलब या लेस देन वन सेकंड में जल्दी जो है वो फिर ब्लड फैल जाता है तो समझो कि ये कैपिल रिपल जो है वो ठीक है और ऑक्सीजन जो है पूरा बॉडी में जो है वो पहुँच रहे और ऑक्सीजन जो रिस्पायरेशन जो है वो ठीक है, ठीक है। अल्टरेशन इन रिस्पायरेशन जो है और क्या क्या चीज़ जो है उसमें मतलब आता है, अल्टरेशन करता है, कम तेज़ करता है रिस्पायरेशन को। एपनिया जो है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग जो है बिल्कुल एब्सेंस है उसको हम एपनिया कहेंगे, ठीक है। नॉर्मल ब्रीथिंग को यूपनिया कहेंगे। आर तुम ओनली एबल टू ब्रीथ कंफर्टेबल अपराइट पोजिशन में, कब पेशेंट हो कंफर्टेबल हो उसमें जो ब्रीथ होगा नॉर्मल उसको आर्थोपनिया कहेंगे, ठीक है। डिसिप्निया सब्जेक्टिव सेंसेशन होगा रिलेटेड बाय पेशेंट इज टू ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ठीक है। डिसिप्निया डिफिकल्टी या ब्रीथिंग होगा, ठीक है। पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिसिप्निया अटैक बाय सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दैट अवेक अ पर्सन फ्रॉम स्लीप, जो बंदा नींद से उठता है उस टाइम पर जो उसको जो है ब्रीथिंग जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जो रिस्पायरेशन जो है ज़्यादा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं नॉक्टर्नल डिसिप्निया कहेंगे डिफिकल्टी, ठीक है। हाइपर एपनिया इन जो रिस्पायरेशन जो है ब्रीथिंग का जो डेप्थ है वो जब ज़्यादा हो जाए उसको हाइपर एपनिया कहेंगे, ठीक है। जब फ्रिक्वेंसी जब ज़्यादा हो जाए उसको टिकिपनिया हम कहेंगे। जब रिस्पायरेशन का रेट जो है ये नॉर्मल से कम हो जाए तो मतलब 12 से नहीं जो इसका हम डिपनिया कहेंगे। अल्टरेशंस इन रिस्पायरेशन इसमें और क्या था, हाइपर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन ज़्यादा हो जाए जो इंक्रीज होगा रेट और डेप जो है अभी जो है कॉमन जो है बहुत जो है ज़्यादा क्या होगा इंक्रीज होगा। हाइपर वेंटिलेशन डिक्रीज रेट और डेप्थ और सम कम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। केस मोड्स रिस्पायरेशन इज अ डीप एंड लेबर्ड ब्रीथिंग पैटर्न अपन एसोसिएट विद अ सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पर्टिकुलरली डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का जो पेशेंट होता है इसमें ज़्यादातर जो है ये इस तरह का जो होता है या किडनी फेलियर का जो पेशेंट होता है, ठीक है।